मैं सिंह और आप देख रहे हैं विदेशन न्यूज। दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने पूर्वोत्तर विभाग यानी कि ASI से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की खुदाई करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। यहां तक कि मंत्रालय ने साथ ही साथ कहा है कि सर्वे कर मूर्तियों की डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की जाए। कोर्ट में 24 मई को इसकी सुनवाई होनी है। रिपोर्ट के अनुसार कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई की जा सकती है। मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी की थी। कुतुब मीनार में 191 में अंतिम बार खुदाई का काम हुआ था। ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने दावा किया है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था। उन्होंने इसको लेकर 3 बड़े दावे भी किए हैं। पूर्व ASI अफसर के ये 3 बड़े दावे क्या हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला दावा है कि कुतुब मीनार नहीं है, वो सन टावर है। ये कुतुब मीनार नहीं है, सन टावर है। मेरे पास इस संबंध में बहुत सारे सबूत हैं। शर्मा ने ASI की तरफ से कई बार कुतुब मीनार का सर्वेक्षण किया है। दूसरा दावा है कि मीनार के टावर में 25 इंच का झुकाव है। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार के टावर में 25 इंच का टिल्ट है, क्योंकि यहाँ से सूर्य का अध्ययन किया जाता था, इसलिए 21 जून को सूर्य आकाश की जगह बदल रहा था। तब भी कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ी। यह विज्ञान है और एक पूर्वोत्तरी साक्ष्य भी है। उनका तीसरा दावा यह है कि रात में ध्रुव तारा देखा जाता है। शर्मा ने बताया कि लोग दावा करते हैं कि कुतुब मीनार एक स्वतंत्र इमारत है और इसका संबंध करीब की मस्जिद से नहीं है। दरअसल इसके दरवाजे नॉर्थ फेसिंग है, ताकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके। अब इसके बाद इसकी सुनवाई क्या होती है और क्या शर्मा की रिपोर्ट्स और शर्मा के दावे सच होते हैं, इससे रिलेटेड हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए विनेशन न्यूज के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विनेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।